नमस्कार, मैं रवि भंसाली और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भैया जी के बोल। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सियासी ड्रामे में एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि अब सिर्फ भाजपा और कांग्रेस ही विधायकों को नहीं ढूंढ रही है, बल्कि जिन्होंने उनको वोट दिया है वो लोग भी उनको ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, ऐसे ही ढूंढने वालों में हमने मकसूद चाचा को पकड़ लिया, वो भी अपने विधायक को ढूंढने के लिए निकले हैं। तो चलिए बुलाते हैं मकसूद चाचा को। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, क्या बात है, बड़ा परेशान हो रहे। चाचा मत कह बेटा, मार दूंगा गुस्सा उस पे, मार तू खा जाएगा। अनदेखा क्या बुरी गत का तेरे को यहाँ पे? कौन वो हमारा विधायक? जहाँ दिखे मेरे को खाई देना तू बस। क्यों? ये प्लास्टिक लाया हूँ वही बांध दूंगा, अन घर पटक दूंगा बेटा। क्यों? आप क्यों ढूंढ रहे भाई? अरे बुरी गत का इधर उधर निकल लिया तो बहुत सारे काम पड़े, सड़कें बनानी है, नालियां खुदानी है, वो भी निकल जाएगा 6-7 दिन की छुट्टी में, और होटलों में बैठ के खूब मस्त मजे लेगा। दिखे तो कह देना मेरे को, मैं भी ढूंढ रहा हूँ उसको। बिल्कुल, लेकिन एक बात बताइए कि इतनी बड़ी जो मध्य प्रदेश में अभी जो पिक्चर चल रही है, पिक्चर तो देख ही रहे हैं आप लगातार, इतनी बड़ी फिल्म जो है, और हॉर्स ट्रेडिंग जो है अपने शबाब पर है इस बात। भूलेगत के काई के लिए बुलाया मेरे को? सांसद और ये सब अपना अपना पार्टी का वो बदल रहे ना, अन तू घोड़े की बात नहीं लिया बीच के अंदर? घोड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, हॉर्स ट्रेडिंग समझते हैं आप? हार मतलब क्या होता? घोड़ा होता है। इतना मैं पढ़े ले है, और ट्रेडिंग मतलब धंधा, घोड़े का धंधा करने वाला। तो मैं यहाँ बात कर रहा सांसद की और विधायक की, अने बुरे गत का घोड़े ले आया बीच के अंदर। अरे मैं वो घोड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, जब राजनीति में विधायक सांसदों को खरीदा बेचा जाता है उसे राजनीतिक भाषा में हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। देखो लगता है बुरे गत के घोड़े हैं ये, दादो जैसा काम कर रहे अन घोड़े कह रहे अपने आप को। अरे गधे भी नहीं है ये, नेता है नेता। ओ बाप, ये तो तूने और नीचे ले आया उनको। क्या बात है, मैं मान गया बहुत देर को। हम सुने एक बात और कह रहा मैं, ये दिल से कह रहा आज मैं समझता था आज के पहले कि इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी तू है। सुन ले मेरी बात। हाँ, लेकिन ये बुरे गत को का ड्रामा जब से देखा ना, थोड़ा सा सम्मान बढ़ गया तेरा, मालूम क्या मेरी निगाह में। कैसी बात कर रहे हैं चाचा? चाचा कहेगा फिर मार दूंगा भैया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कैसा लगता है, जिस नेता को, जिस विधायक को आप इतने उसके मन से चुनते हैं, आज वही आपको चूना लगा रहा है? अरे इनसे अच्छा तो वो गिरधारी भाई पान वाला है। क्यों? पूछ काहे को? काहे को? वो पूछ के चूना लगा था। अन बेटा लेगा क्या चूना? तू कहे हाँ तो देगा वो। मैंने बुरे गत के आके पट्टी बांध के चूना लगा गया। मत मेरे को दिख जाए बेटा वो मेरा विधायक, बांध के अंदर भटक दूंगा, अन मुंह पे टेप लगाऊंगा सबसे पहले तुम्हें। ठीक है, चल जाएगा। मैं भी हूँ, मेरे भी 30 करोड़, 35 करोड़। चल देखो, 1000 रुपये नहीं तू बुरे गत के 35 करोड़ की बात कर रहा तू। भरोसा भी तो आपने ही किया था, आपने ही जिताया था। तो दे गई ना भरोसे की गाय, पाना दे गई वो, इसलिए मैं गया। हाँ, दिख नहीं जाना बेटा मेरे को वो बात। दिखेगा। पर एक बात बताइए, ये भी तो हो सकता है कि वो किसी दूसरे दल में इसलिए जा रहे हो कि उन्हें लग रहा है कि विकास हम इस दल के साथ रहकर कर पाएंगे। वो विकास की बात कर रहा बुरे गत का वो है, उसको ये नहीं मालूम है कि बिल्डिंग में सीमेंट कितनी लगती, हम वो विकास की बात करेगा। अपने विकास के जा रहा बुरे गत के, अपने विकास के लिए। अच्छा, अन ये भी कोई सीधा नहीं है, अन वो भी कोई सीधा नहीं है, वो इसको बुला रहा अन वो उसको बुला रहा। ठीक है, लेकिन यही सियासत जो है वो यही होती है, राजनीति यही होती है। इसको सियासत कहते क्या बुरे गत के? दोगलापन कहते हैं इसको, दोगलापन। ठीक है, लेकिन अब जो है वो तो है। आपको पता है हमने जो विधायक जीते उनका रिपोर्ट कार्ड देखा। ओ, रिपोर्ट कार्ड देख लिया? मेरे को तो लगता नहीं ढंग से पढ़ाई भी करी होगी इनने। रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड स्कूल वाला नहीं कर रहा हूँ, जो ये जीते थे हमने देखा, 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख के अंतर से इन्होंने अपनी जीत निकाली है, और आज इतने लोगों का विश्वास ये लोग तोड़ रहे हैं। और तो भाई 1-1.5 लाख तुम्हारे लिए है, जनता के लिए है, इनके लिए 1-1.5 लाख जो है ना वो आंकड़ा है, खाली आंकड़ा, उसको ये बांटते हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और फिर उनके भी टुकड़े करते, तू पटेल तू गुज्जर तू ये तू सिया न तू सुन्नी, फिर वो 1 लाख को 2000 में बांट देते, ये 50 टुकड़े कर डालते, उसके बाद बोटल लेते अन बुरे गत के ऐसा चटक के मिलते। इनकी गलती है, ये नहीं समझते बुरे गत के, अब दे गया तुमको।
ठीक है ठीक है, आपने भी तो वोट दिए तो मेरे वाले को तो खाली ढूंढ रहा हूँ मैं, पर बुरे घर का देख नहीं रहा मेरे को, एक बार देख जाए ये रस्सी से बांध के ले जाऊंगा उसको मैं कहीं दे रहा। देखो आप लोगों को भी ऐसे ही जागरूक होना पड़ेगा, आप भी अपने विधायक को पकड़ लीजिए, कहीं मत जाने दीजिए, पहले काम करा लो उसके बाद कहना देखो इधर जाना हो तो उधर जा, इधर जाना उधर जा, अंत को ऊपर जाना तो ऊपर चले जा, पहला काम करके जा बेटा। नहीं नहीं ठीक है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जब उन्हें ढूंढ रहे हैं तो ऐसे थोड़ी ना मिलेंगे, वो तो भाई देश की बड़ी बड़ी होटलों में गए हैं और वहां पर बैठ कर मंथन कर रहे हैं। कैसा मंथन चल रहा मैं भी जानता, अन ये भी जानते, ये कहीं नहीं रहे बुरी गत के, इनको तो क्या है रोजी रोटी में उलझा दिए, रोजी रोटी में उलझा दिए इनको, कहे अरे तुम ऑफिस नहीं गए, तुम दुकान नहीं गए, हमारे घर चूल्हा नहीं जलने का, अरे बुरी गत के उसमें लगे, मेरी बेटी मेरा बेटा मेरी बीवी मेरी माँ, अन वो ऊपर ऊपर गेम खेल गए, अन कैसा मंथन कर रहे मालूम है देखो होटल में, कैसा सुबह तक इनका मंथन नहीं उतरता, न्यू पानी तक इनका मंथन उतारना पड़ता बुरी गत को का। गिनतियाँ हो रही, कह रहे हमारी गिनतियाँ हो रही, कैसी गिनती हो रही हम जानते नहीं क्या, नगद गिन रही है यहाँ पे, ऐसा नहीं है, अरे ऐसा नहीं तो कैसा नहीं है, हाँ मतलब ऐसे ही है, लेकिन जो भी है चाचा ये हो तो गलत रहा है, तो आवाज उठा भाई तेरा छीन ले, लोगों को समझा ये कैसा कर रही है, बुरीगत का अगली बार दरवाजे पे आए ना गेटा बंद कर देना, अन कहना बेटा जा पहले गिनती करा ले उसके बाद तेरे को वोटा दूंगा। आप ऐसे में हमारी जनता को क्या संदेश देना चाहिए? अरे मैं काहे को संदेश दूं, वो दे तो गया तुमको संदेश, स्टाम्प लगा गया थूक से, अब लो संदेश, बैठ के बातते रहना तुम। नहीं लेकिन ये तो गलत हो रहा है, और जो भी है मकसूद चाचा भी इससे पीड़ित है जैसे आप लोग पीड़ित। मैं कहीं पीड़ित नहीं हूँ, मेरा वाली खाला मेरे को मिल जाए रस्सी से बांध के उसको घर पटक दूंगा, मैं कहूँगा बेटा 5 साल खाली काम करा उसके बाद से कुछ इधर जाने को जा, समझेगा तुम भी, तुम भी तो बेवकूफ सामान उन पर भरोसा कर लेते पूरा की पूरा, रस्सियाँ ले अन निकलो बाहर, अन बताओ उनको कि तुम ही तुम खेलोगे क्या बेटा, बॉल हमारे पास है मालूम क्या, बॉल अपने पास है और उनके पास खाली बल्ला है, वो घुमा रहे हम तुम घूम रहे, ठीक है। लेकिन जो भी बात है बिल्कुल मकसूद चाचा ने एक बात तो बिल्कुल सही कही है कि जो भी विधायक इधर से उधर उधर से इधर होने की तैयारी में, वो एक बात याद रखे कि वो उन्हें ढूंढने वाले सिर्फ दो दलों के लोग ही नहीं है, उन्हें ढूंढने वाली उनकी जनता भी है। वो कहना वो तुम कह रहे हो उसके बारे में, वो कमलनाथ है, कमल रह गया नाथ अलग हो गया, वो शिवराज मामा वो कहता क्या चुनाव के पहले कि माफ करो महाराज आपकी बार खाली शिवराज, अनुरगत का अभी हाथ मिला के फोटो खींचा रहा महाराज शिवराज एक साथ, अबे वाह अबे वाह, ऐसा आँख में मिर्ची फेंक के खींचे में पैसे निकाल लो, ऐसा काम कर रहे तुम लोग। लेकिन जो भी है वो ठीक है, लेकिन मकसूद चाचा एक बात बताइए, आप कोई संदेश है जो हमारी जनता को देना चाहते हैं? इनको मैं क्या संदेश दूं, मेरे से ज़्यादा समझदार है ये, देश की वो चुनते सरकार सुनते ये, ऐसी सरकार चुनी तुमने, ये बुरी गतों को आज बता दो कि ऐसा ऐसा करोगे बीच बीच में हमको छोड़ के जाओगे तो हम भी तुमको बीच में छोड़ सकते हैं भाई, समझ रहे ना, इनके हाथ में खड़ी बेट है बॉल तुम्हारे हाथ में, डालो ही मत कैसे रन बनते अपन देख लेंगे, समझ गया, और वो दिखा रहा मुर्गत का मेरे को, देख अभी मैं उसको पकड़ता अन रस्सी से बंधा, रुक रुक अरे चुप रहना चिल्ला रहा मत भाग जाएगा मुर्गत का, गिनती चल रही मालूम क्या, अरे अच्छा चाचा तो निकल गए हैं उनको पकड़ने के लिए, और आप भी अगर आपके मोहल्ले का भी आपके विधानसभा का भी विधायक अगर आपको मिल जाता है तो उसे पकड़ लीजिएगा और हिसाब आप भी मांगिएगा। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।